जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लिए 3 हेलीकॉप्टर उड़ानों का शेड्यूल जारी कर दिया गया था। वहीं मौसम साफ होने पर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लिए 2 हेलीकॉप्टर उड़ानों में करीब 80 लोगों ने रोहतांग दर्रा आर पार किया है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने से लोसर से रेफर मरीज को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लिए 2 हेलीकॉप्टर उड़ानों में करीब 80 लोगों ने रोहतांग दर्रा आर पार किया है। लाहौल स्पीति के लिए 400 मरीज हेलीकॉप्टर उड़ानों का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कुल्लू के लाइजनिंग अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि जीएडी की तरफ से लाहौल स्पीति के लिए 3 हेलीकॉप्टर्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया था। वहीं 2 हेलीकॉप्टर उड़ानें सफल हुई हैं, जबकि 1 हेलीकॉप्टर उड़ान किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि पहली हेलीकॉप्टर उड़ान भुंतर स्टिंगरी भुंतर और दूसरी उड़ान भुंतर राबाडाइट के लिए हुई। उन्होंने कहा कि इन दोनों हेलीकॉप्टर उड़ानों में करीब 80 लोगों ने रोहतांग दर्रा आर पार किया है, जिसमें भुंतर से स्टिंगरी के लिए 19 यात्रियों ने यात्रा की, वहीं स्टिंगरी से भुंतर के लिए 20 यात्रियों ने यात्रा की है। उन्होंने कहा कि दूसरी उड़ान में भुंतर से डाइट राबा के लिए 16 यात्रियों ने यात्रा की है और वहां से 20 यात्रियों ने भुंतर एयरपोर्ट के लिए यात्रा की है। उन्होंने कहा कि अभी भी लाहौल स्पीति के लिए 400 यात्री उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि पिछले कल हमें 3 उड़ान की शेड्यूल जारी हुई थी, जिसमें पहली उड़ान भुंतर भुंतर लोसर भुंतर के बीच में होनी थी, दूसरी उड़ान भुंतर स्टिंगरी भुंतर, तीसरी उड़ान भुंतर डाइट राबा डाइट के बीच में होनी थी। उसमें 2 उड़ानें आज हमारी सक्सेसफुल हो गई है। दोनों उड़ानें पहली उड़ान स्टिंगरी के लिए और दूसरी रावा डाइट के लिए कंप्लीट हो गई है, और तीसरी उड़ान जो हमारे दौसर हेलीपैड के लिए होनी थी तो वो किसी कारणवश नहीं हो पाई है, जिसमें कि कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रॉब्लम आ गई थी। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुँचा हुआ था, जिस कारण हम फ्लाइंग नहीं कर सके। तो आज ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली से चल पड़ा, शाम तक उम्मीद है कि शायद सिलेंडर जो है कल पहुँच जाएगा शाम तक। जहाँ तक यहाँ से सवारियों की जाने की बात है, पहली फ्लाइट में हमारे 19 लोग गए, सेकंड फ्लाइट में हमारे 16 लोग लाहौल की तरफ गए हैं, और वहाँ से लगभग 40 लोग लाहौल से स्टिंगरी की तरफ कुल्लू की तरफ आए हैं। आज जो 2 उड़ानें हुई है, जिसमें कि हमारे दोनों तरफ से जो लोग लाहौल से और सीपीटी से लाहौल और कुल्लू से आर पार हुए, उनमें लगभग 80 के आसपास लोग आर पार हुए हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।